हेलो एवरीवन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, आज का जो व्लॉग है, इट्स हैदर अली, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आज जो हम व्लॉग कर रहे हैं, मेरे साथ आफ्ताब है, मेरे कुलीग हैं। पोर्ट कासिम से अपना सिटी की तरफ, कराची की तरफ आते हुए, जो बीच में मलीर 15 पे जो एक ट्रैफिक जैम और कंजेशन हो रहा है, और रोज़ तकरीबन 1-1.5 घंटे का डिले आ रहा है, राइट? तकरीबन इतना डिले आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि डिले की वजह भी कोई नहीं है। उन्होंने वहाँ पे रोड पे काम स्टार्ट किया है, काम स्टार्ट करने के साथ कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए ताकि लोगों के जो कन्वेंस है वो इजीली स्मूथली वो डिलीवर कर सकें, बट वो नहीं हो रहा। तो इस वजह से आप व्हेन यू क्रॉस लांडी, उसके बाद से वो ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल एरिया है सारा ये वाला पोर्ट कासिम का, और उससे पहले जो बिन कासिम वाला एरिया है वो वाला भी, वो सारी ट्रैफिक जैम निकलती है तो मलीर 15 पे स्टक हो जाती है, राइट? अबे ख्याल कर भाई, ख्याल कर, क्या कर रहा है ये ट्रक वाले ने? अभी हमें अंदर घुसा देना था हमारे। तो अच्छा, आज हमने एक रूट डिफरेंट यूज किया है, मैं आपको अभी उस रूट का थोड़ा सा बता देता हूँ। कहाँ से है अपना इंडस चुरंगी से राइट साइड, अगर आप स्टील मिल से आ रहे हैं, स्टील मिल से अगर आ रहे हैं तो इंडस चुरंगी से आप राइट साइड पे मुड़ जाएं। राइट साइड पे मुड़ने के बाद, क्योंकि मैंने व्लॉग थोड़ी देर बाद शुरू किया है तो मैं आपको अभी रास्ता भी नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बट मैं समझा देता हूँ। इंडस चुरंगी से आप सीधा जाने के बजाय लांडी की तरफ आप मुड़ जाएं राइट साइड पे, जो अंदर रोड जा रही है उस रोड को क्या कहते हैं, मेमन रोड, गोट वाली जो रोड है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप आगे आएंगे ना तो आपके लेफ्ट साइड पे कच्चा थोड़ा सा टूटा हुआ रोड है, उससे आप फिर नॉर्मल आबादी में पीछे की तरफ को चले जाते हैं। देन यू हैव टू गो इन द मेमन गोट एरिया, वहाँ उस तरफ को आप मूव कर जाए। आप अंदर अंदर, ये सारा बड़ा कॉलोनी वाला सिस्टम है, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से अंदर आएंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, बिकॉज मोस्टली अभी जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जितना भी ऑलमोस्ट ट्रैफिक है वो जो ऑफिसेज वाला वो इधर मूव कर गया है, तो आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा, कोई बंदा उसको उसके पीछे लग जाए, और वो यहाँ से होता हुआ मेमन गोट से होता हुआ ये निकलेगा कहाँ पर? मलीर कैंट पे। मलीर कैंट वो केयर नेट्स की तरफ? जी जी, केयर कैंट। ये केयर अकेडमी है, वो आगे है। अच्छा, केयर अकेडमी से होते हुए वो जो मलीर चेक पोस्ट नंबर टू के सामने निकलेगा, जो कि वो मॉडल कॉलोनी की तरफ निकलता है। तो अगर जो लोग नाजमाबाद, जौहर और इस तरफ को जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज यू गॉट द स्मूथ वे आउट, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन द ट्रैफिक फॉर 1.5 आवर। नॉर्मली ये हो रहा है पिछले एक हफ्ते से, एंड आई डोंट नो कि ये कितनी देर और चलेगा, ठीक है? तो दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन, एंड आई होप के जो भी लोग ये देख रहे हैं वो अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से इस चीज़ को शेयर करें, ताकि सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिले। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के जब इस तरह का कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो मेक श्योर कि यार लोगों की कन्वीनियंस के बारे में सोचा जाए। लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे, शाम के वक्त ऑफिस से घर जा रहे हैं, उनको 1.5-2 घंटे फंसा देते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एम्बुलेंस। मैंने कई दफ़ा देखा है एम्बुलेंस हमारे होते हुए भी कई दफ़ा स्टक हुई है। यार एम्बुलेंस में कोई भी हो सकता है भाई, आपके घर वाले, मेरे घर वाले, कोई भी हो सकता है एम्बुलेंस में। और इवन एम्बुलेंस में नहीं भी है, यू हैव सम पेशेंट इन योर कार जिसको आपको फौरी तौर पर लेके जाना है, आप स्टक हो गए, बस ख़त्म हो गए। व्हाट काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग इज दिस? प्लीज़ कंसिडर दीज सिचुएशंस। और कभी भी आप काम कर रहे हो, यू नीड टू गिव एन ऑल्टरनेट टू द पीपल हु आर लिविंग इन योर सिटी। सो दिस इज़ माई मैसेज ऑल्सो टू द गवर्नमेंट ऑफिशल्स, जो लोग ये काम करवा रहे हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी वन। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, और क्या बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
इसको तो पता ही नहीं है भाई, यूट्यूब में पहली दफा इसने मेरा, मैंने आज इसका मोबाइल लेके अपना जो है वो सब्सक्राइब करवाया कि कर ले ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।